अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान से सैनिकों के वापस बुलाने के राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि अब तालिबान मनमानी करेगा और निर्दोष नागरिकों की हत्या करेगा। अमेरिका सहित नाटो सैनिकों की वापसी से तालिबान को खुली छूट मिल गई है। बुश ने जर्मन रेडियो डायचे वेले से बातचीत में कहा कि विदेशी सैनिकों की वापसी का सबसे ज्यादा खामियाजा अफगान महिलाओं और लड़कियों को भुगतना पड़ेगा। यह एक गलती है। अफगानिस्तान की महिलाएं अब तालिबान के हाथों मारे जाने की अभिशस्त होंगी। ये लोग यानी तालिबान बहुत क्रूर है। इस फैसले से उनका दिल टूट गया है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, पत्नी लॉरा बुश और मैंने अफगान महिलाओं के साथ बहुत समय बिताया और वे डरी सहमी हुई हैं और मैं उन सभी दुर्भाषियों और लोगों के बारे में सोचकर चिंतित हूं जिन्होंने न केवल अमेरिकी सैनिकों बल्कि नाटो सैनिकों को भी मदद की। ऐसा लगता है कि क्रूर लोगों के हाथों मारे जाने के लिए इन्हें छोड़ दिया गया है। इस फैसले ने मेरा दिल तोड़ दिया है। बहरहाल बुश ने जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 16 साल सत्ता में रहने के दौरान मर्केल ने वर्ग और गरिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में ला दिया। मर्केल ने अपने शासन में बहुत कठिन निर्णय लिए जो इस साल राजनीति से संन्यास ले लेंगी। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमले के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ही तालिबान से निपटने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना भेजी थी। तालिबान पर बुश ने कहा कि उन्हें लगता है कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी वही महसूस करेंगी जिसका उन्हें एहसास है। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी पर भले ही बुश दुख जाहिर कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि अमेरिका ने अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उनका कहना था कि हमने अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, हमारा मकसद पूरा हुआ, हम राष्ट्र निर्माण के लिए अफगानिस्तान नहीं गए। ये केवल अफगान लोगों का अधिकार है और जिम्मेदारी है कि वे अपने देश को कैसे चलाना चाहते हैं, वे अपना भविष्य खुद तय करें। बाइडेन ने 8 जुलाई को कहा कि मैंने खुले दिल और दिमाग से निर्णय लिया है और मुझे युद्ध के मैदान के अपडेट की रोजाना जानकारी दी जाती है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने तर्क दिया कि हमें 6 महीने या सिर्फ 1 साल और रहना चाहिए, मैं उनसे हालिया इतिहास के सबक पर विचार करने के लिए कहा। लगभग 20 सालों का अनुभव बताता है कि वर्तमान सुरक्षा स्थिति केवल इस बात की पुष्टि करती है कि अफगानिस्तान में सिर्फ 1 और साल की लड़ाई कोई समाधान नहीं है बल्कि अनिश्चितकाल तक वहां रहने का एक नुस्खा है। उन्होंने कहा कि ये अफगानों पर निर्भर करता है कि वे अपने देश के भविष्य के बारे में क्या निर्णय लें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।